आसाराम मोदी रहीम माफिया को छोड़ दो, चौकीदार चोर के चुंगल को तुम तोड़ दो। तो बाबा साहब ने जो बोला था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैसी होगी उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन कास्ट के ऊपर जो है दुनिया भर के जो है लेक्चर दे देंगे, लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चा जो है अनचाहे धर्मों के कीचड़ में फंसा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ शगुफा सैयदा। आज हमारे नेशनल दस्तक पे खास मेहमान आए हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आज करवाना चाहती हूं। वो हमेशा चौकीदार के खिलाफ गाना गाते आए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई है, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज वो खुद नेशनल दस्तक पे चले आए हैं और आज उनसे मैं आपको रूबरू कराती हूँ, गिटार अंकल से वो क्या कहते हैं। गिटार अंकल के नाम से लोग जानते हैं, मेरा असली नाम सुशील अहूजा है और मैं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर का रहने वाला हूं दिल्ली में, और मैं एमटेक हूं केमिकल टेक्नोलॉजी में, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे नो गॉड वाले अंकल से पहचाने तो ज्यादा अच्छा होगा, क्यों उस नो गॉड वाले अंकल से मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। आपको ऐसा कब लगा कि आप मतलब इस तरह से नो गॉड वाले अंकल, मतलब ये नाम आपको सही लगे, गिटार अंकल आपको नाम, मतलब पहले भी मैंने आपका देखा है उसमें सब लोग आपको गिटार वाले अंकल के नाम से बोलते हैं, तो फिर आपने ये चेंजिंग क्यों नो गॉड वाले अंकल? हाँ जी, ऐसे है कि जो है मैं, जैसे मेरे को जबरदस्ती हिंदू बनाया गया और मेरी मर्जी से नहीं बनाया गया, और मेरे पिताजी को भी जो है जबरदस्ती जो है हिंदू बनाया था, मेरी माताजी को भी जबरदस्ती हिंदू बनाया था, मैंने अपनी दादी को भी देखा है जबरदस्ती उनको भी जो है हिंदू बनाया था, और जो है दादाजी को मैंने नहीं देखा, मेरे सारे परिवार को जो है उन्होंने जबरदस्ती हिंदू बनाया, कुछ लोग जो है सिख भी जो है जबरदस्ती के बने। अब जो है जब मैं बड़ा हुआ, मैंने जो है धर्म के दलदल में पड़ा रहा तो धर्म के दलदल में मैं तैरता रहा, लेकिन धर्म के दलदल में मैं और नीचे गहराई में डूबता रहा। तो जब मैं पढ़ाई लिखाई करके जो है बाहर निकला, तो मेरे को बच्चों ने समझाया जो IAS करते हैं, IPS करते हैं, IRS करते हैं, कि अंकल भगवान अल्लाह गॉड है ही नहीं। जब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मैंने पढ़ी तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि हम इवॉल्व हुए हैं, ना कि किसी भगवान अल्लाह गॉड ने हमें बनाया है। तो मैंने कहा अगर मान लो जो है, अगर मेरे को वो बोध मतलब बोधी मतलब विजडम, जब वो विजडम जो है मेरे को लोगों ने दी, तो मैंने कहा इस चीज को जो है बच्चे को मैं बता दूंगा, पूरे दुनिया के लोगों को बता दूंगा, अपने जो है इंडिया हो या जो है पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अमेरिका हो जी या ऑस्ट्रेलिया हो, पूरे दुनिया को जो है मेरे बच्चे को जो है उस चुंगल से निकालना है, उस दलदल से निकालना है। तो वो मेरा एक मैंने मकसद बना लिया। तो मेरी उम्र अभी 64 साल है, तो मैंने कहा जो है मैं किसी मकसद से जीऊं, किसी मकसद से जो है कोई जो है अगर मान लो सोशल एक्टिविस्ट में बना, तो कोई ऐसा मकसद हो जो मकसद एक बड़ा मकसद हो, ना कि जो है गिटार बजाने का मकसद। तो मेरा गिटार बजाने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि बच्चा समझे कि वो अपनी मर्जी से हिंदू मुसलमान सिख नहीं बना, और सामने वाला जो है जिससे वो बात कर रहा है या जिससे जो है वो सोच रहा है, सामने वाला भी जो है अपनी मर्जी से हिंदू मुसलमान सिख नहीं बना। जब ये फीलिंग आ जाएगी तो उसमें आ जाएगी हाँ हम लोग सब मजबूर हैं, तो यूनिटी आ जाएगी। मोदी जैसा जो चोर जो है जिसको बोल रहे हैं, तो मोदी जैसा बंदा जो है फिर लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, उनको उनके इमोशंस को खेल नहीं पाएगा और एक दूसरे को लड़ा नहीं पाएगा और कत्लेआम नहीं करा पाएगा, या जो है वोट की राजनीति ऐसी नहीं होगी। तो हम लोग अगर तरक्की करनी है
तो हमें भगवान अल्लाह गॉड के चुंगल को छोड़ना होगा। और एक बात बस जो है बता देता हूं मैं कि चाइना ने अपना अपने देश में ही सूरज बना दिया है, सन बना दिया है फ्यूजन रिएक्शन से। तो फ्यूजन अगर होता है, मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो एटम्स हैं वो दोनों फ्यूज होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है सूरज में हो रहा है, वो रिएक्शन अगर मान लो हम अपने धरती पे जो है किसी केमिकल जो केमिकल नहीं वो जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है लोग, तो केमिकल एनर्जी दूसरी होती है। केमिकल एनर्जी से हम लोग जो है बोल रहे हैं, हमारे जो है जो गर्माहट आ रही है ये केमिकल एनर्जी से आ रही है, या जो है हम अगर आग जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी है। लेकिन सूरज में जो घट रहा है वो फ्यूजन एनर्जी है, और जो फिशन एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें फिशन होता है। तो आप बच्चों ने भी सबने पढ़ा हुआ है, जो जिसने 9th-10th क्लास पढ़ी है उसको मालूम है फिशन क्या है, फ्यूजन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ये सारी एनर्जी जो है सब लोगों ने पढ़ी है, लेकिन अभी उस बच्चे को बताना है कि भगवान अल्लाह गॉड के चक्कर में हमने नहीं फंसना है। हमने अगर रोजगार जो है लेना है तो मोदी के चुंगल को छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को आप फॉलो नहीं करते, आप हमेशा मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनके खिलाफ गाना गाते हुए आए हैं। तो आज नेशनल दस्तक पे गिटार वाले अंकल, जिनको नो गॉड वाले अंकल के नाम से उन्होंने कहा, खुद ही लोग उन्हें उनको नो गॉड वाले अंकल के नाम से जाने, तो आइए आज वो चौकीदार के ऊपर कोई एक अच्छा सा गाना गा करके बताते हैं। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार ही चोर है, मां कसम चोर है, पक्का ये चोर है। ये गाना जो है हम लोगों ने कुछ दिन पहले गाया था और इस गाने को अभी बदला है थोड़ा सा हमने, और उस गाने को बदलने के बाद अभी हमने थोड़ा सा ऐसे बोल लिए हैं, बहुत लोगों की इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है कि जबरन हमें क्यों बनाया है हिंदू मुसलमान, हम अपनी मर्जी से तो नहीं बने। अच्छा, अब जो है इस गाने इसको इस जो है विजन को एक गाने का रूप दिया है। जब जबरन हिंदू मुस्लिम क्यों मुझे बना दिया, चौकीदार चोर के चुंगल में क्यों फंसा दिया, चौकीदार चोर के चुंगल में क्यों फंसा दिया। जबरन हिंदू मुस्लिम क्यों मुझे बना दिया, चौकीदार चोर के चुंगल में क्यों फंसा दिया। अनचाहे धर्म के कीचड़ में क्यों डुबा दिया, चाहे धर्म के कीचड़ में क्यों डुबा दिया। चौकीदार चोर के चुंगल में क्यों फंसा दिया। क्योंकि मोदी जैसे बहुत सारे लोग हैं पूरे दुनिया में जो धर्म के नाम पे लोगों को, जात पात के नाम पे लोगों को, और जो है लोगों को फंसाते हैं और उनको उस टॉपिक पे ले जाते हैं, ना कि यहाँ भी जो है प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या रोजगार दिया उसकी बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री ने क्या एजुकेशन दी उसकी बात नहीं करेगा, प्रधानमंत्री ने जो है कोई न्याय की बात करी उसकी बात नहीं करेगा, प्रधानमंत्री ने और जो चीजें हैं बहुत जरूरी, हेल्थ तो हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ की बात भी नहीं करता जो है चौकीदार चोर, एजुकेशन की बात भी नहीं करता चौकीदार चोर, और दुनिया में न्याय न्याय बहुत जरूरी है जी, और ट्रांसपेरेंसी की बात भी नहीं करता चौकीदार चोर। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब सरकारों को जो है मोदी जो है नौकर है, वो जनता का नौकर है, तो उसको जवाबदेही होनी चाहिए, तो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो मोदी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं देता अपनी, तो इसका मतलब है हम लोग चौकीदार चोर क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं चौकीदार चोर क्योंकि वो ना ही अकाउंटेबिलिटी दे रहा है, हमारे को धर्म की बात करता है, हमारे को जात पात की बात करता है, तो डिस्ट्रक्शन। अगर बच्चों को पता लग जाए कि हम अपनी मर्जी से हिंदू मुसलमान नहीं बने तो बच्चे फोकस्ड रहेंगे और सरकार को बोलेंगे हाँ भाई मेरी एजुकेशन कहाँ गई, मेरी रोजगार कहाँ गया, मेरा जो है हेल्थ कहाँ गई,
मेरा जो है न्याय कहाँ गया, अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई, मेरे पैसे जो है यहाँ कहाँ कहाँ खर्च किए तूने जो है मोदी, ऐसे करके जो है लोग ढंग के साथ बोल सकते हैं। अभी जो है हम लड़े रहेंगे आपस में तो जो है मोदी हमारे को बुद्धू बनाता रहेगा, तो हम लोग कमजोर रहेंगे। हमने पावर पानी है तो वोटर को पावर होनी चाहिए, तो पावर तभी आएगी जब लोग जो है अपनी पावर को समझेंगे। वो नहीं समझ सकते क्यों, वो उनका दिमाग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है कि नहीं, वो आपस में है भाई भाई गाना नहीं चलेगा। भगवान अल्लाह गॉड ना थे ना है ना होंगे, अगर भगवान अल्लाह गॉड थे ना है ना होंगे समझ आ गई, इसका मतलब है जो हमारे जो रिलीजन है वो इररिलेवेंट है, जो रिलीजन है इररिलेवेंट हो जाते हैं, फिर जात पात इररिलेवेंट हो जाती है। तो बाबा साहब ने जो बोला था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कैसी होगी, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन कास्ट के ऊपर जो है दुनिया भर के जो है लेक्चर दे देंगे, लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चा जो है अनचाहे धर्मों के कीचड़ में फंसा रहेगा, और बच्चा तब तक फंसा रहेगा जब तक उसको नहीं मालूम, उनके पिताजी को नहीं मालूम पड़ेगा कि भगवान अल्लाह गॉड एक्चुअली है ही नहीं, अपना टाइम उसमें मत वेस्ट करो। तो यही जो है गौतम बुद्ध ने बोला था, लेकिन जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो भी ये बात नहीं प्रचार करते प्रॉपरली, तो वो प्रचार नहीं करते, बड़े दुख की बात है। तो ये हम थोड़ा आगे गाना गाएंगे, आसाराम मोदी रहीम गैंग को तुम छोड़ दो, सच की राजनीति कर लो लोगों को जोड़ दो, सच की राजनीति करके लोगों को जोड़ दो, आसाराम मोदी रहीम माफिया को छोड़ दो, चौकीदार चोर के चुंगल को तुम तोड़ दो, चौकीदार चोर के चुंगलों को तुम तोड़ दो, चौकीदार चोर के चुंगल 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 को तुम तोड़ दो। अभी मैं आपको एक छोटा सा और मैसेज देना चाहूंगा कि मैंने अहमद पटेल को रिक्वेस्ट करी कि ये गाना जो है मेरे साथ गा ले, चौकीदार चोर है, हाँ हाँ गाऊंगा, अब मेरे घर आ जाओ। तो अंदर से जो है मैंने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को बोला कि ये गाना गा लो भाई। हाँ जी, आम आदमी पार्टी का मैं संस्थापक रहा हूँ, आम आदमी पार्टी मैंने अभी छोड़ दी है, उसको भी उनको भी बोला कि ये गाना गा लो, और अरविंद केजरीवाल को समझाओ कि ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला है, ऐसे करके वो लोगों को गुमराह ना करे, ठीक है जी। तो वो उन्होंने भी ये गाना नहीं गाया, तो आप खुद सब लोग हम गाएं और जो है जनता को लोगों को जो है जगाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आज आपने देखा कि किस तरह से नो गॉड वाले अंकल ने गाना गा करके सबको एक मैसेज दिया है कि किस तरह से मोदी सरकार इस देश को बर्बाद कर रही है। थैंक यू गिटार वाले अंकल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा नेशनल दस्तक पे आके, और जो है मैं सोचता हूँ कि जो हमारे नेशनल दस्तक के जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो पहले से ही जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो इस मैसेज को जो है और आगे पहुँचाएं। थैंक यू। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।